यहाँ पे फ्रेंड्स आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर वगैरह सब दिया है कंपनी ने। बाकी इस साइड से आप लोगों यहाँ देख लीजिए एक बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा की एक्स ब्लेड, जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू 2022 मॉडल है। और फ्रेंड्स बाइक का लुक्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, ग्रे कलर में बाइक प्रेजेंट है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको हम इसका वॉकराउंड देने वाले हैं, प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह सब बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख ले फ्रेंड्स। इस वीडियो का जो लाइक एम का टारगेट है वो हम रखते हैं ओनली 2000 लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा दे ताकि हमें भी लगे आप सपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स इस बाइक में आपको मतलब लुक्स अगर देखा जाए तो कंपनी बिल्कुल ही फ्रेश प्रोवाइड करती है यहाँ पर 2022 में। और इस कलर में फ्रेंड्स आपको रेड कलर के ग्राफिक्स का यूज़ देखने को मिलेगा, रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। होंडा का लोगो 3D में आपको मिल जाता है। और फ्रेंड्स ये डुअल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है, आप देख पा रहे होंगे फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और रेयर में भी कंपनी आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो आपको 1,20,324 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिलता है। एक शोरूम प्राइजेस मैं आपको बता रहा हूँ। इस साइड से अगर बात करते हैं तो फ्रंट लुक सबसे पहले देख लीजिए, आपको LED में DRLs मिलता है, फुली LED लाइट्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कंपनी जो इंडिकेटर्स है वो बल्ब में प्रोवाइड करती है, अगर ये भी कंपनी LED कर देती तो ये काफ़ी अच्छा रहता, बट अभी फ़िलहाल में आपको बल्ब में ही मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लोगो जो है वो काफ़ी उभर के आ रहा है यहाँ पे ग्रे में रेड का जो कॉम्बिनेशन दिया है कंपनी ने। इंजन जो है वो आपको सेम मिल जाता है 163 cc का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 13.67 bhp का, टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.7 Nm का और कंपनी किक भी आपको प्रोवाइड कर देती है। फ्रेंड में आपको यहाँ पे TVS कंपनी के टायर्स मिल जाते हैं, 80 सेक्शन का कंपनी आपको टायर प्रोवाइड करती है और रिम टेप्स आप देख पा रहे होंगे निसन के आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं फ्रंट में कंपनी। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड कर देती है और ये फ्रेंड्स टेलीस्कोपिक फोक्स के साथ आता है। इस साइड से अगर बात करते हैं यहाँ पे तो रेयर में फ्रेंड्स आपको मिल जाता है टायर हगर और कंपनी मोनोसॉक्स आपको रेयर में प्रोवाइड कर देती है। रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, निसन के ही ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट जो है वो मिलता है डुअल बैरल और ये जो है ये भी चेंज किया गया है, पहले क्रोम प्लेटेड आता था अभी मैट में मिल रहा है और बैक लुक कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर बाइक का। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको जो टेल लाइट है वो LED में मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप का आपको मिलता है और बाइक काफ़ी स्पोर्टी लगती है। टैंक में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको कार्बन फाइबर टाइप का फिनिशिंग देखने को मिलता है और मीटर जो है वो इस बार अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर वगैरह सब दिया है कंपनी ने और मीटर का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस बाइक का लुक्स कैसा लगा है। इस साइड में इंजन किल स्विच सेल्फ आपको एक डेडिकेटेड यहाँ पे फ्रेंड्स हज़ार लाइट का स्विच मिल जाता है, हॉर्न मैंने आपको सुना दिया है, बाकी हाई बीम लो बीम और पास वगैरह आपको मिल जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बाइक का लुक्स आपको कैसा लगा है और इस बजट में फ्रेंड्स आप इस बाइक को परचेस करना पसंद करेंगे या नहीं। बाकी इस साइड से आप लोगों यहाँ देख लीजिए एक बार। और यहाँ पे 5-speed gearbox का सेटअप मिल जाता है, ओपन चेन सिस्टम के साथ बाइक आती है। रेयर में 130 सेक्शन का आपको टायर मिलता है जो कि TVS का ही टायर्स है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये था फ्रेंड्स एक यहाँ पे ओवरव्यू इस बाइक का, आप बताएं कैसा लगा है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।